अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है कीमा बिरयानी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चावल भिगो दिए 2 कप। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ये एक्स्ट्रा डलता है क्योंकि बाद में जब हम पानी को निकाल देते हैं तो उसमें जितना प्रॉपर हमारे चावल के लिए पानी चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, वो उसमें सही उबल जाते हैं। तो ये मैं हीट ऑन की है, इस तरफ इसको चावलों को रखती है। फिर यहाँ मैंने खड़ा मसाला डाला, ये 2 तेज़पात है, दालचीनी का है, ये बादियानी है, ये जावित्री है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा है। ये मैंने इसमें 2 कप चावल भिगो दिए पानी में। अब मैंने यहाँ पे जो बिरयानी के लिए लिया है प्याज लिया है 2 बड़े साइज़ में, 2। यहाँ पे मसाला है सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, ये सॉल्ट है, ये हल्दी है, कुटी लाल मिर्च और अजवाइन है। 1 कप मैंने दही लिया है, 2 टमाटर लिए हैं मैंने, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और कुकिंग के लिए ऑयल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। चावल जिसमें उबलने के रखे उसमें ये मैं तकरीबन एक इंच का नींबू का टुकड़ा डाल रही हूँ। अब हम कीमे का बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। हीट ऑन कर दिए, इसमें मैंने ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। कोई मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहा है तो उनको मैं ये बता दूँ कि मैंने ये प्यूरी इसको पेस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि प्याज जल्दी नहीं बनते और हमारे करीब कोई भी ऐसा घर के करीब ग्रोसरी स्टोर नहीं है तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं इनको छील के तो ग्राइंड करके पीस के रख लेती हूँ। इसी तरह लहसुन अदरक का भी है। अब ये जैसे ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें कीमा डालने लगी, मैंने थोड़ा मोटा पीसना था लेकिन प्लेट जो है वो गलती से जो उनका मीडियम सेंटर वाला होता है वो लग गया ब्लेड, जिसकी वजह से ये बारीक हो गया। कीमे का रंग चेंज हो गया है। इस तरह करने में जो आप ये कीमे को भून लेते हैं इसमें प्याज के बाद, तो इसमें एक तो जो चिकन की या कीमे की हीक होती है वो नहीं आती। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। नमक इसलिए नहीं मैंने डाला कि ये कीमा है, अगर होता चिकन तो फिर मैं उसमें नमक ऐड करती, थोड़ा सा ये इसका भून जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। अब साथ में मैं इसके टमाटर ऐड करने लगी, 2 टमाटर जैसे कि मैंने आपको बताया पानी में डाल दिया। थोड़ा सा ये इसका पानी हो गए तो इसमें हम मसाले डाल देंगे।
ये एक मशहूर ब्रांड का बिरयानी मसाला है बम्बई, ये बहुत अच्छा है। तो ये मैं 2 चम्मच इसमें खाने के डालूंगी, ऐड करूंगी, तो इससे बिरयानी में और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये वाले इनके हर मसाले, हर तरह के वेजिटेबल में भी आ रहे हैं, हर चीज़ भी मिल जाती है। तो हम तो वही शुरू से ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी ये करें, आपको भी मसाला पसंद आएगा, आपको इनके जो मसाले हैं। ये मैंने डाल दिया मसाले, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इनका बिरयानी मसाला भी ऐड करूंगी 2 चम्मच। अब ये छोटा तो इसलिए मैं फिर ये 3 डाल दूंगी। बाकी आप पे है कि आप बिरयानी स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं दही ऐड करूँगी। आज इसके साथ एक बार 6 टेबल स्पून चाहती हूँ। ऐसे ही आजकल यहाँ पे आपको पता हॉलीडे सीजन स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी बात चल रही थी। तो जहाँ से मेरा बेटा बड़ा वाला जॉब करता है, तो वो उसका जो उनका मैनेजर था, तो वो बात ऐसी चली, तो वो कहता कि नहीं हमारे यहाँ जब त्यौहार होते हैं तो सारे मिलके बैठते हैं, तो हम नीचे बैठ के खाते हैं सारे। तो फिर वो पूछा था कि आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है, तो इन्होंने बताया कि जैसे तुम्हारा होता है कि बिरयानी हो गई, कबाब हो गए, तो इस तरह का। तो चलें जैसे जब पकेगा तो हम मैं आपको ट्राई करवाऊँगा। तो वो इतना उसको पसंद आया वो, और उसने सारी चीज़ें अगर देखे जाए तो उसको पता, अच्छा ये चीज़ आपने डाली है, इस तरह डाली है। और बिरयानी उसको खिलाई थी, फिर उसके बाद जब पुलाव बनाया तो उनको दिया, तो वो उससे भी, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा स्पाइसी होते, तो बिरयानी वो कहता है टू स्पाइसी है। फिर जब शावी कबाब भी बनाए तो वो भी उसको बहुत पसंद आए। अब ये पानी छोड़ दिया मैं, तो अब इसको हम गलने के लिए थोड़ी देर के लिए हीट लो पे कर देंगे ताकि ये गल जाए। फिर हम इसको भून के, तो फिर इसमें बिरयानी उसको तैयार की। उस तरफ चावल भी पानी भी बॉईल होने लग गया चावल का, तो उसको भी अभी डालते हैं चावल। अब ये कीमा भून गया, उसका मैं हीट ऑफ कर दूंगी। और उस तरफ मैंने तवा रखा है, तवा गर्म हो जाएगा, दम से रख देना सब 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने हीट ऑफ कर दी है। गरम मसाला, अब नीचे चावलों की एक लेयर लगाएंगे। बटर डालूंगी मैं, ये एक तेल लग गई है। ये अब आपको सही नजर आ रहा होगा।
बाकी चावल के लिए अलग रखेंगे इसके ऊपर। चावल भी जिस ब्रांड के हम लेके आते हैं उनके चावल अच्छे हैं, वो काफी लंबा लंबा उसका एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह एक काफी लंबा उनका होता है दाना चावल। मैं ज़्यादा किस चीज़ में नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा सा दो तीन जगह पे डाल दूँगी, इसी तरह जब स्टीम होगी तो ये खुद ही धनिया पुदीना भी आप डाल सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते शुरू से ही, बचपन से इनको वो है कि ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, प्याज आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, तो माशाल्लाह बड़े हैं। ये मैंने दम पे रख दिया, तवा गरम हो गया है, अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। थोड़ा एक चम्मच के करीब मैंने नीचे बेस में मक्खन डाला था, अब मैं यहाँ पे भी ऊपर आजकल हॉलीडे सीज़न है तो यहाँ पे काफ़ी हर चीज़ पे सेल है, गिफ्ट वगैरह हो गए, क्रॉकरी है, आपके गारमेंट्स हैं, हर चीज़ पे है। अब मैं ये कर दूँगी, इसको लो पे कर दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, इसको मैंने दम पे रख दिया। ये मैंने कवर कर दिया है, तो जैसे ही 10 से 15 से 20 मिनट होंगे तो मैं दम को खोलूँगी। हाँ जी, 15 से 20 मिनट हो गए, अब हम इसका दम खोलेंगे और पहले हीट ऑफ करेंगे। ये हमारी बिरयानी तैयार है, आपको पसंद आए मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। अगर कोई ऐसी बात आप देखें तो मुझे बताएं, मैं फिर और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो इसके साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इज्जत में बरकत डाले, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।